हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 10 अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो, ठीक है। तो जैसे कि 1 से लेकर 10 अप्रैल हो गया, फिर 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। यानी कि फिर आपको 3 वीडियो में आपका अप्रैल का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मई का करवाना है, मैंने मार्च का ऑलरेडी करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है इम्पोर्टेंट, तो वो सब देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके मैं आपका एग्जाम से पहले तक सारा करंट अफेयर्स आपका मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए पहला क्या है करंट अफेयर्स है कि इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C-45 कैरिंग EMISAT N28 नैनो सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। और सबसे पहली बात एक और जानिए कि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे कि कहाँ से लॉन्च हुआ है। तो जैसे कि इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसरो के डायरेक्टर कौन है, तो के सिवान है। और आपका हेड क्वार्टर कहाँ है इसरो का, तो बेंगलुरु है। और कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो 1969 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था इसरो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि GRSE बिकम्स फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू डिलीवर 100 वॉरशिप। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो पहले देख लेते हैं कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड बिकम द फर्स्ट इंडियन शिपयार्ड टू बिल्ड एंड डिलीवर 100 वॉरशिप। एक साथ में 100 वॉरशिप को जो है वो डिलीवर किया है, और ये पहली बार भारत में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मनु सोने टुक ओवर एज द ICC चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मनुष अभी अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया आपका कि मनु सोने जो है ये टूक ओवर एज द ICC क्रिकेट काउंसिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। तो अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ICC से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए ICC का चेयरपर्सन कौन है, तो शशांक मनोहर है। और ICC का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दुबई, ठीक है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि एंटी ग्राफ्ट लॉयर जुजाना कापुटोवा वन स्लोवाकिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेकिंग हर कंट्रीज फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द स्टेट। पहली बार कोई फीमेल जो है कैंडिडेट ये आपकी प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के रूप में जीती है, ठीक है, कहाँ की, स्लोवाकिया के। और कौन, तो जुजाना कापुटोवा, ठीक है। स्लोवाकिया का कैपिटल कहाँ है, तो ब्रिटिश लावा है, ठीक है। और करेंसी क्या होता है यहाँ का, तो यहाँ का करेंसी है यूरो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आप अच्छे से जानते हैं कि भारत में 4G नेटवर्क का अच्छा खासा पकड़ है, हर जगह पे 4G नेटवर्क चल रहा है। उसमें जो है धनबाद एक ऐसा सिटी है जहां पर 4G का सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है, ठीक है। और उसका परसेंटेज दिया हुआ है 95.3%। और उसके बाद आपका है रांची, जो कि 95% यहाँ पे 4G अवेलेबिलिटी है। उसके बाद ही सोचिए इतने सारे हमारे देश में स्टेट हैं, सिटी हैं, उसमें धनबाद नंबर 1 है और रांची जो है नंबर 2 में है। और कौन रिपोर्ट जारी किया था, रिपोर्ट बाई ओपन सिग्नल विच इज नेम्ड एज ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी फॉर 4G अवेलेबिलिटी रिव्यूज द 4G अवेलेबिलिटी इन इंडिया 50 लार्जेस्ट सिटीज में। और आउट ऑफ 50 सिटीज में धनबाद विच इज ऑल्सो नोन एज कोल कैपिटल ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट 4G अवेलेबिलिटी ऑफ 95.3% फॉलोड बाय रांची विच हैज 95% ऑफ 4G अवेलेबिलिटी, ठीक है। देखिए स्विट्जरलैंड के जो ये जो है टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, इन्होंने डिफीट किया है किसको, USA के जॉन इस्नर को इन अ स्ट्रेट सेट टू लिफ्ट हिज 101 कैरियर टाइटल एट द मियामी ओपन। अभी तक का हाईएस्ट 109वां टाइटल है जो कि लगातार जीता है किसी ने, ठीक है। और इस ये जीतकर रोजर फेडरर ने उनका 101वां था, और इन्होंने डिफीट किया है आपको जॉन इस्नर को, और मियामी ओपन में ये मेन सिंगल के जीते हैं ये। साउथ कोरिया डिफीट इंडिया इन द पेनल्टी शूट आउट इन द फाइनल ऑफ सुल्तान अजलन शाह कप। अब देखिए सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड होता है, तो ये हॉकी से रिलेटेड होता है। तो साउथ कोरिया ने डिफीटेड इंडिया को हरा के जीत लिया है, ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप 2019 का। फॉर द सेकेंड ईयर इन सक्सेशन तेलंगाना रैंक्स नंबर 1 इन द ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
यानी डीओपीटी का फुल फॉर्म है। अब देखिए डीओपीटी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ये टी का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे ट्रेनिंग होगा, या अगर आपसे पी पूछे तो पर्सनल होगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तेलंगाना ने दूसरी बार ये जीता है खिताब किसमें, तो ई लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ठीक है। 5 times वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन won Bahrain Grand Prix 2019 title by beating Valtteri Bottas of Finland who secured the second position। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि Bahrain Grand Prix 2019 किसने जीता है, तो आप बोलेंगे लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। और ये 5 बार के वर्ल्ड विजेता हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं 10 में कि एशियन शूटर कंटिन्यूड देयर डोमिनेंस क्लेमिंग 5 gold medal ऑन द फाइनल डे ऑफ द एशियन एयर गन चैंपियनशिप टू शाइन ऑफ विद अ टोटल 25 medal इन ताइवान ताइपी, ठीक है। तो एयर गन जो चैंपियनशिप हुआ है एशियन में, उसमें इंडियन शूटर ने 5 gold medal जीता है और इसमें टोटल जो है 25 medal इंडियन खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें 16 gold medal है, 5 silver medal है और 4 आपके bronze medal हो जाएंगे, ठीक है। और यश वर्धन और श्रेया अग्रवाल जो है जिन्होंने 3 gold medal इज ऑन द लास्ट डे जीता है, ठीक है, यानी कि इन 16 में 3 और 3 इन दोनों ने जीता है। द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली अनएनिमियसली डिक्लेयर्ड 2 अप्रैल एज वर्ल्ड ऑस्टिन अवेयरनेस डे, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है डिक्लेयर किया है 2 अप्रैल को किसके रूप में, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। यही थीम कभी कभी आपसे पूछ देगा, तो इसका थीम आप याद कर लीजिए कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कि द इंडियन आर्मी हैज सक्सेसफुली बिल्ड द लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज मैत्री ब्रिज ओवर द इंडस रिवर इन द ले लद्दाख रीजन बिल्ड इन अ रिकॉर्ड 40 days। मैत्री ब्रिज इज लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर इंडस रिवर। 40 दिन के अंदर में ही एक तरह उन्होंने उस ब्रिज को बना दिया है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। किस नदी के ऊपर, तो इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है, मैत्री ब्रिज। और ये 260 फीट जो है लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिज है जो कि किसने बनाया, तो कॉम्बैट इंजीनियर्स बिलोंगिंग टू द साहस और योग्यता रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या निकल कर सामने आएंगे कि कौन सा ब्रिज अभी हाल में ही बना है जो इंडियन आर्मी ने बनाया है, तो मैत्री ब्रिज ने बनाया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस रिवर के ऊपर, तो इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर क्या है कि कंडमल हल्दी अ वैरायटी ऑफ टर्मिक इंडिजिनियस टू साउदर्न ओडिशा हैज इमर्ज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया। अब देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले मार्च का जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे मैंने GI टैग वाले आपको बताए थे कि कौन कौन सा GI टैग किसको मिला है, तो उसमें एक कंडमल हल्दी भी है, उसको भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। अब देखिए और ये साउदर्न ओडिशा में है, तो ओडिशा के CM कौन है, तो नवीन पटनायक है। गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है, ठीक है। साउथ कोरिया जो है लॉन्चेस द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड 5G मोबाइल नेटवर्क। अब देखिए अभी तक हम लोग 4G का बात कर रहे थे, अब साउथ कोरिया जो है पहला ऐसा कंट्री जिसने 5G नेटवर्क को लाया है, ठीक है। साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ है, तो सियोल है। करेंसी क्या है, तो साउथ कोरियन वॉन होता है। फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन पब्लिशिंग कंपनी गरोडा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड इट्स बुक सैफ्रोन स्वॉर्ड्स सेंचुरी ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेडर्स। अब आपसे बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसको अप्रैल में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस बुक को लिखे कौन है, तो मनुषी सिन्हा रावल ने लिखा है, ठीक है। सैफ्रन स्वॉर्ड्स, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सैफ्रन स्वॉर्ड्स किसने लिखा है, तो आप बोल सकते हैं मनुषी सिन्हा रावल ने लिखा है।
सौरव घोषाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर टू इंटर द टॉप 10 इन लेटेस्ट प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन वर्ल्ड रैंकिंग। अब देखिए आपसे ये इम्पोर्टेंट कैसे बनता है क्वेश्चन, आपसे पूछ देगा कि सौरव घोषाल जो है किस खेल से रिलेटेड है। बात समझ रहे हैं, आपसे क्या पूछ सकता है कि सौरव घोषाल किस खेल से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे कि किस खेल से रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन मेल स्क्वैश प्लेयर है जिसने टॉप 10 जो है उसमें रैंकिंग पाया है प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन के तहत, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज हो चुका है और रेपो रेट जो है घटकर 6% हो गया है, ठीक है, रेपो रेट। जीडीपी को इस बार 2019 और 20 के लिए प्रोजेक्टेड किया गया है 7.2% के लिए। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि 2019 से 20 तक में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होगा, तो 7.2% बोलेंगे। द UAE ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द प्रेस्टिजियस जैयद मेडल फॉर गिविंग अ बिग बूस्ट टू बायलेटरल स्ट्रेटेजिक टाइज को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हालिया में नरेंद्र मोदी को जो है UAE किस चीज से सम्मानित किया है प्रेस्टिजियस अवार्ड से, तो आप बोलेंगे जैयद मेडल। शिकागो हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय इलेक्टिंग एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन एज इट्स मेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि ये पहली बार अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को मेयर के रूप में चुना गया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है, शिकागो ने। विपिन आनंद हैज टेकन चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि एमडी एलआईसी का एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आप बोलेंगे विपिन आनंद को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। तो अब आपसे डेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछ देगा 4 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि स्टेट ओन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL हैज रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज ऑन फ्लाइट। अब फ्लाइट में भी जो है इंटरनेट सर्विस जो है आपको मिलेगा, और इस चीज के लिए लाइसेंस मिला है किसको, तो BSNL को मिला है। किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज गिवन अप्रूवल टू पेटीएम मनी द इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ द मोबाइल पेमेंट्स कंपनी टू स्टार्ट ऑफरिंग ब्रोकिंग सर्विसेज, ठीक है, ब्रोकिंग सर्विसेज के लिए जो है पेटीएम को अप्रूवल मिल गया है सेबी से, ठीक है। फिर कहते हैं फयांग विलेज इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट। अब देखिए इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट जो है इसमें जो है फयांग विलेज इन इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट, ठीक है। फिर कहता है कि डेविड मलपास हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का जो है प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डेविड मालपास को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए। और इस्टेब्लिश कब हुआ था वर्ल्ड बैंक, तो 1944 में हुआ था वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश। इन इंडिया द नेशनल मैरिटाइम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो नेशनल मैरिटाइम डे। The day was first celebrated on 5 अप्रैल 1964 को हम लोग पहली बार मनाए थे, ठीक है। और ये इसका 56th एडिशन था, और इस बार का थीम क्या था, इंडियन ओशियन एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो थीम याद कर लीजिएगा कि इस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इस बार का जो मैरीटाइम डे हुआ था उसका थीम क्या था, तो आप बोलेंगे इंडियन ओशियन एंड ओशियन अपॉर्चुनिटीज। प्रफुल्ल पटेल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फीफा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार कोई भारतीय को इलेक्ट किया गया है, ठीक है। और किनको किया गया, तो प्रफुल्ल पटेल को।
और ये आप जानते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ये प्रेसिडेंट है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड धनुष आर्टिलरी गन वॉज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग अ सेरेमनी हेल्ड एट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, धनुष आर्टिलरी गन को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कहते हैं टाटा स्टील हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर एट द 14th ग्लोबल स्लैग कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2019। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड रिसेंटली इन HM जर्मनी। टाटा स्टील को हैज बीन नेम्ड एज किस नाम से दिया गया है, तो ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर। ठीक है, 7th अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, और इस बार का थीम क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, एवरीवन एवरीवेयर। तो याद कर लीजिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 2019 मलेशिया ओपन ऑफिशियली द CELCOM AXIATA Malaysia Open 2019 is a badminton tournament which take place at Axiata Arena in Malaysia। ठीक है, मलेशिया ओपन का हुआ है तो Axiata Arena in Malaysia में हुआ है। हॉकी इंडिया named Graham Reid as the new chief coach of the Indian men's hockey team। हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो Graham Reid को। फिर कहता है कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज बिकम फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन इन द इंडियन रेलवे टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर प्रोवाइडिंग पैसेंजर एमिनिटीज इन अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट। ठीक है, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से ये चीज का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, The sixth edition of the joint military training exercise between the Indian Army and the Sri Lanka Army exercise, Mitra Shakti। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि मित्रा शक्ति जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में हुआ है और ये सिक्स एडिशन था। उसी तरीके से आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पे है कि मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर गॉट टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट एक्सरसाइज इन बबीना कैंटोनमेंट इन झांसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिलीज द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है हमारे देश के, तो रामनाथ कोविंद है। उन्होंने रिलीज किया है नेशनल रैंकिंग हायर इंस्टीट्यूट, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली में। और दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडे हाउस वाज रैंक द बेस्ट अमंग द कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। जितने भी कॉलेज हैं अक्रॉस कंट्री में उसमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है मिरांडे हाउसेस उनको उसको जो है बेस्ट कॉलेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और इस चीज को रिलीज किए हैं आपको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं, तो 10 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च्ड CRPF वीर परिवार ऐप, अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फैमिलीज ऑफ CRPF पर्सनल किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। अब देखिए CRPF के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके परिवार के लिए जो है एक ऐप बनाया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कि गूगल पेरेंट्स अल्फाबेट हैज बीटन अमेजॉन टू लॉन्च वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी बिजनेस। अब ड्रोन डिलीवरी बिजनेस जो है ये स्टार्ट किया है गूगल पेरेंट अल्फाबेट ने और ये अमेजॉन को भी बीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए कि सन ग्रुप चेयरमैन विक्रमजीत सिंह सानहे इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब आपसे क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आ सकता है कि ICC का नया चेयरमैन यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसे बनाया गया है, तो विक्रमजीत सिंह को बनाया गया। टीम इंडियन कैप्टन विराट कोहली हैज बीन नेम्ड एज द विजडम अल्मानेक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर द थर्ड स्ट्रेट टाइम। ठीक है, तीसरी बार ये अवार्ड दिया गया है विराट कोहली को। ठीक है, विजडन अल्मानेक को। ठीक है,
और ये क्या है कि 47 मैच में 2700 रन प्लस में रन मारा है मारे हैं, ठीक है। और इस तरीके से 68 के एवरेज से इन्होंने रन मारा है ये चीज, तो इस बार तीसरी बार मिला है विजडन अलमानेक्स को, ठीक है, विराट कोहली को। तो ये जो है आपके 1 से लेकर 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स है। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, और इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।